वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। देखो कुछ इस तरीके से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तभी समझ जाओ आप कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। टेंजेंट एक लाइन होती है, ये बात बताई थी आपको सिंपली। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है हमने, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या ट्रिक बताई थी, केवल दो, कौन कौन सी, या तो हमारे पास एक पॉइंट हो और किसी तरीके से स्लोप मिल जाए सिंपली, सही है। और दूसरा तरीका कि दो पॉइंट हो, सही है, उस लाइन पर, काम की बात ही है। तो सिंपली देखो अब आप कौन सी चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पर, केवल ये सोचा करो इतना कंसेप्ट लाइन का, टेंजेंट भी एक लाइन होती है, ठीक है ना। तो सिंपली जैसे कोई कर्व है, ये कोई कर्व है इस तरीके की, 16x² + 9y² = 145, ठीक है। तो अब ये चीज़ भी अब आपके ऊपर है, मतलब देखो हो सकता है किसी को ये केवल कर्व नज़र आती हो, देखो अपना अपना नज़रिया है। या फिर सबसे पहले देखो x² और y² के दो दो कोफिशियंट हैं, तो समझ जाओ 2D ज्योमेट्री होगी। तो मतलब समझ जाओ यहाँ पर कोफिशियंट अलग है, अगर कोफिशियंट +1 होते तो सर्कल का केस था। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी क्विक रिवीजन की जो प्लेलिस्ट है, एक बार उसको जरूर देख लेना आप, ठीक है ना। वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये सर्कल का केस क्यों नहीं है, क्योंकि इनके कोफिशियंट +1 नहीं है, दोनों के x² और y² के दोनों के कोफिशियंट +1 होने चाहिए। तो इस तरीके से, ठीक है ना, वो तो केस गया। अब राइट हैंड साइड 1 होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए, तो होने के लिए 145 से तीनों जगह डिवाइड कर दो आप। तो सिंपली तो मतलब राइट हैंड साइड +1 होना चाहिए, तो मतलब तीनों साइड, मतलब दोनों साइड हमने 145 से डिवाइड कर दिया, सही है। और केवल यहाँ पर समझो, देखो शुरू में तो 145 इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, बीच में जैसे प्लस का साइन है, सही है। और जो ये ऊपर वाला 16 है, इसको हम नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं, सेम बात ये ऊपर वाले 9 को नीचे लिख सकते हैं जो यहाँ पर था, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद तो सिंपली बता सकते हो आप किसका केस है, ये प्लस का साइन है, तो सिंपली कह दो एलिप्स का केस है। और एलिप्स भी कौन सा केस है, देखो ये फैक्टर है 145/16, ठीक है ना, और एक डिवाइड आप 9 से कर रहे हो सेम नंबर को, एक 16 से, किसका रिजल्ट बड़ा आएगा, छोटे से डिवाइड कर रहे हो उसका रिजल्ट बड़ा आएगा ना, मतलब यहाँ पर ए है। तो ये कुछ इस टाइप का पैराबोला है, सॉरी पैराबोला नहीं, एलिप्स है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, एलिप्स के दो केस होते हैं और दोनों में ही ए बड़ा होता है बी से। तो इस तरीके से, और जिस पर बड़ा है मतलब वाई पर, तो वाई एक्सिस पर बड़ा है, तो मतलब एक्चुअल में इसकी अगर ज्योमेट्री पता हो तो अच्छी बात है, आपको एक्चुअल में ड्रा कर सकते हो। देखो ये बोनस पॉइंट है, ठीक है ना, इनका फ़ायदा उठा लो अगर पता है तो, ज्योमेट्री ड्रा कर दोगे अच्छी बात है, ठीक है ना, इंप्रेशन के लिए। तो सिंपली जैसे, ठीक है ना, तो वाई पर बड़ा है तो मतलब कुछ इस तरीके से ये एलिप्स बन जाएगा सिंपली, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस ऊपर वाई, तो इस तरीके से, सही है, मतलब ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, बात खत्म। अब इसके बाद तो जैसे वो डिपेंड करता है, अगर मतलब ये बताओ या फिर सिंपली ना बताओ, देखो अपनी चॉइस से कोई भी करो डिनोट कर ले, इतना तो पता नहीं करो है, सबसे बड़ी चीज़ होती है करो। कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद अलग अलग ज्योमेट्री मिलती है हमें, जैसे लाइन अलग कंडीशन होती है, इसी तरीके से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये सारी ज्योमेट्री हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है करो, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से अब सिंपली टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट तो एक लाइन होती है, मतलब कुछ इस तरीके से जैसे कोई भी कर्व है उसके किसी भी पॉइंट से, किसी सिंगल पॉइंट से, सही है, किसी सिंगल पॉइंट से कोई लाइन मतलब टच करके बार की बार चली जाए, तो इस तरीके से टेंजेंट ड्रा हो जाए कर सकते हैं हम, ये होता है टेंजेंट। टेंजेंट एक लाइन होती है जो कर्व के किसी भी पॉइंट से टच करके बार की बार चली जाए, ये होती है टेंजेंट की एक्चुअल में डेफिनेशन, ये याद रख लो आप। तो इस तरीके से, सही है। अब देख लो आप जैसे ये ज्योमेट्री ड्रा कर दी, ठीक है ना, अब इसके बाद अब इतना भी ज़रूरी नहीं कि मतलब ए और बी की बातें होती है, मतलब +1 क्लास के हिसाब से, +2 में इतना भी ज़रूरी नहीं कि केवल ज्योमेट्री का ही मेन रोल होता है। तो सिंपली, ठीक है ना, तो अब जैसे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी और नॉर्मल की भी निकालनी, वो निकल जाएंगी। लेकिन देखो अब यहाँ पर कर्व दी हुई है एट दी पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ x1, y1, वेयर x1 की तो वैल्यू दी हुई है, x1 की तो वैल्यू है, y1 की नहीं है, सही है। तो मतलब सिंगल पॉइंट की न्यूमेरिकल में बात हो रही है, तो ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ये वाली ट्रिक,
दो पॉइंटों की न्यूमेरिकल में बात नहीं हो रही इस वजह से, तो बस यही से सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। तो गिवन कराओ, सही है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये चीज़ें बताओ तो आप लिख दो इज एलिप्स, ठीक है ना, और कुछ इक्वेशन दी हुई है, हाँ इसको कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख लेते हैं, एलिप्स है तो, ठीक है ना, तो इस तरीके से। हाँ ये होता है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब इसको होल स्क्वायर बनाना चाहो तो जैसे 145 का डायरेक्ट तो होगा नहीं होल स्क्वायर, तो सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 145 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 16 का होता है जैसे डायरेक्ट ही, कितना मतलब 4 का होल स्क्वायर होता है, तो कहने का मतलब कुछ इस तरीके से अगर आप लिखना चाहो आपके ऊपर है, इस तरीके से सही है। और फिर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 145 का स्क्वायर रूट और 9 जैसे 3 लिख सकते हो, तो 3 का होल स्क्वायर 9 नहीं होता इस वजह से, तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद ठीक है ना, तो सिंपली देखो या फिर इसको एक बार एज इट इज भी रख लो, ये तो केवल ज्योमेट्री को बताने के लिए, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद ठीक है ना, अब देखो एक पॉइंट दिया हुआ है तो लेट कर लो आप यहीं से, ठीक है ना, लेट, चलो इस पॉइंट का नाम आपके ऊपर, चलो ए पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन टाइप का, सही है। किस पर है ये पॉइंट तो है, लेकिन किस पर है ये काम की बात है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा स्पेशल चीज है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर कह दो कॉमन पॉइंट, अगर सिंपली डिफाइन करना चाहते तो आप इसको कह दो कॉमन पॉइंट, मतलब ये वो पॉइंट है जो कर्व पर भी है समझने के लिए, सही है। इस तरीके से जो कर्व पर भी होगा उसके बाद, ठीक है ना, कर्व के बाद ये टेंजेंट पर भी होगा, इस पर भी है ना, इस तरीके से। और ये स्पेशल चीज नॉर्मल, जो नॉर्मल सिंपली, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब देखो सिंपली देखो कोई लाइन है उसके परपेंडिकुलर कितनी लाइन होंगी, नॉर्मल भी एक लाइन होती है ये पता होना चाहिए आपको, तो एक लाइन के तो परपेंडिकुलर इनफाइनाइट हैं, लेकिन इनमें से कौन सी, इनमें से केवल वो नॉर्मल लेनी है हमें जो इस तरीके का केस बने, मतलब 90 डिग्री का केस बन जाए टेंजेंट के साथ, ये स्पेशल बात होती है, केवल वो नॉर्मल चूज करना होता है, तो इस तरीके से सही है। तो मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे हमने ए पॉइंट मान लिया, तो ये तीनों चीजों पर होता है, स्पेशल बात है ये, किस पर, कर्व पर भी होगा, उसके बाद टेंजेंट पर भी होगा और नॉर्मल पर भी होगा, ये काम की बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस ए पॉइंट मान लिया और एक्स वन की वैल्यू दी है, वाई वन जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, केवल ये इस चीज़ का केवल ये मतलब है, इसका भी यूज होगा देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और एक्स वन की न्यूमेरिकल में वैल्यू है, चलो वो पुट कर ली, वाई वन का मैं नहीं पता, तो इस तरीके से सही है। हाँ अगर आप इस पॉजिटिव कहना चाहते हो तो ये कह सकते हो सिंपली, ये इस बात को देख करके लिख दिया, सही है। तो इस तरीके से ठीक है ना। अब जो ये पॉइंट है किस पर है, सबसे पहले कह दो एलिप्स पर, ऑन एलिप्स, या फिर गिवन करो भी लिख सकते हो अगर आपको ये पता ना हो तो, तब की बात है। न्यूमेरिकल में ये भी नहीं कि मतलब ये बताना है कि किस तरीके की ज्योमेट्री होगी उस वजह से, ठीक है ना। तो अगर पता है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद कोई चीज़ किसी पर हो तो उसी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इस केस में जो ये पॉइंट है ये करव पर है, करव को या फिर आप एलिप्स को, तो ये एलिप्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये स्पेशल बात है, ठीक है ना। तो यहीं पर लिख दो आप दैट इज, ठीक है ना। तो इस पर इसकी एक इक्वेशन, तो इस बात का ये मतलब उस पर जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई है, जो ये इक्वेशन, देखो इक्वेशन वर्ड का सिंपली मतलब बता था, एक तो इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वेट करना है, और एक कम से कम एक वेरिएबल जरूरी होना चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए, ये स्पेशल बात होती है, कम से कम एक वेरिएबल, तो यहाँ पर दो होते हैं क्योंकि ये 2D ज्योमेट्री होती है, सिंपली कहना चाहो तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो छोटी छोटी बातों को। तो इस पर जनरल पॉइंट आपको पता होना चाहिए एक्स कोमा वाई भी है, जो बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, पता होना चाहिए आपको ये चीज़, ठीक है ना। तो इसलिए ये पॉइंट है जो उठा करके इसकी इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब इस पॉइंट की जगह, तो मतलब एक्स की जगह आप ये पुट कर दो, वाई की जगह ये पुट कर दो, कर ले पुट, तो मतलब 16, एक्स की जगह हमने 2 पुट करना, तो 2 का स्क्वेयर कैलकुलेशन है इस तरीके से, ठीक है ना। प्लस का साइन, फिर 9 into y, तो y1 कह सकते हो आप यहाँ से, इक्वल्स टू 145, तो अब कैलकुलेट कर लो तो ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना, 64, और ये उस साइड जाएगा, मतलब इस तरीके से कैलकुलेशन है सिंपली, ठीक है ना। तो ये जैसे कितना हो जाएगा 45 गया, उसके बाद तो जैसे मतलब 5 और 10 15 19, मतलब 100 में से 19 गया तो 81, कैलकुलेशन है तो 9,
ठीक है ना। तो वाई वन का स्क्वायर है 9, तो वाई वन कितना आ जाएगा, यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, सही है ना। तो मतलब 3, केवल 3। क्यों कही ये बात केवल 3, क्योंकि ये चीज़ जब भी वन पावर हटती है एक्चुअल में प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन ये माइनस कहाँ पर गया, माइनस साइन गया इस छोटी सी बात में, इसलिए ये चीज़ लिखी हुई थी, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर दो वैल्यू आती तो दोनों से अलग अलग आंसर निकलते, ये काम की बात है। तो अब ये है, ठीक है ना। तो इसके बाद आप लिख सकते हो कि पॉइंट आ चुका है, ठीक है ना। तो देयरफॉर पॉइंट लिख सकते हो पॉइंट ए, तो जैसे एक्स वन की वैल्यू और वाई वन की वैल्यू इस तरीके से, सही है। हाँ, अब आप कह सकते हो इस पॉइंट को देख करके, तो मतलब दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 2, 3 रेंडमली हमें नहीं पता, सिंपली ये कह सकते हो आप इस पर कहीं पर है इस तरीके से, सही है। हाँ, अगर और कुछ सीखे ना वो प्लस वन क्लास की बातें होती हैं, ठीक है ना, इसकी जो ज्योमेट्री होती है एक्चुअल में वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद देखो ये चीज़ हो चुकी है सोल्व, अब बचा स्लोप, अब इसकी बात कर लेते। मेन टारगेट तो ये है ना हमारा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लिखो, तो पॉइंट आ चुका है, अभी ये भी निकालना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल लेंथ क्यों है, दोनों चीज़ निकालनी पड़ी थी हमें, और कुछ नहीं, दोनों चीज़ चाहिए यहाँ पर, तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद केवल कैलकुलेशन, ठीक है ना। मतलब देखो जो गिवन करो है, ठीक है ना, तो गिवन करो लिखो या फिर एलिप्स लिखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, जो इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमें देखो ये पॉइंट आ चुका, अब बचा स्लोप पे। अब स्लोप का भी तरीका बताया था आपको, स्लोप का और स्लोप को डिनोट किया जाता है MC, ठीक है ना, जिसको टेंजेंट थीटा भी उसका फॉर्मूला होता है, या फिर सिंपली डिफरेंशिएशन, इस तरीके से सही है। अब देख लो न्यूमेरिकल में कहीं पर भी एंगल की बात नहीं हो रही है, ये केस तो गया, ठीक है ना, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है न्यूमेरिकल किस टाइप का। तो ये चीज़ मतलब dy/dx चाहिए, तो अब एक्स है और वाई है, तो कर दो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन, तो बस डिफ्रेंशिएशन के बेसिक रूल 16 कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वेयर का पावर रूल से, पावर आगे पावर में से कम इन टू में एक्स का भी होगा, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर यहाँ पर तो 9 है जी टीज, वाई स्क्वेयर का पावर रूल से 2y हो जाएगा कैलकुलेशन, और फिर y का होगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर पता होना चाहिए dy/dx क्यों आता है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये पता होना चाहिए। और राइट हैंड साइड में केवल कॉन्स्टेंट, तो 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन है। तो आप dy/dx निकाल लो सिंपली यहाँ से, मतलब स्लोप भी कह सकते हो इस चीज़ को यहीं पर, ठीक है ना। तो मतलब कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले ये चीज़ राइट हैंड साइड में चली जाएगी, तो मतलब माइनस का 32x, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, ये 2 से डिवाइड करना चाहो आपके ऊपर है, या फिर एज इट इज रख लो, और नीचे 9 × 2 तो 18y, कैलकुलेशन है, सही है। अब इसके बाद पॉइंट निकाल चुके हम, ठीक है ना, मतलब एट ए पॉइंट जैसे जो आया था, तो स्लोप भी हमें वहीं पर चाहिए, ये काम की बात है, ठीक है ना। तो मतलब ये पॉइंट उठा करके मतलब एक्स वाई की जगह पुट कर दो आप, तो मतलब चलो इसको भी सोल्व कर, 2 से कैंसिल हो जाए, मतलब 16/9, और मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जो भी वैल्यू आई है, वाई की जो भी वैल्यू आई है, तो इस तरीके से सही है। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 32/27, तो इस तरीके से सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद बस दोनों चीज़ें आ चुकी है, पॉइंट भी है स्लोप भी है, फ़ायदा उठा लो। हाँ, यहीं पर आप एम भी कह सकते हो, मतलब स्लोप आ चुका है, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन लिख दो, अब तो एक लाइन के आंसर है, ठीक है ना। तो मतलब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, एक बार तो हम टेंजेंट के लिख देते हैं, सही है, और एक बार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिख दो आप, सही है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन सिंपली क्या था कि y-y1, इक्वेशन ऑफ लाइन है y-y1, तो मतलब y1 पासिंग पॉइंट की बात होती है, तो इस तरीके से, और फिर स्लोप इंटू जो भी आपका स्लोप आया है वैल्यू पुट करनी है, और इंटू में x-x1, तो मतलब इस पॉइंट का नाम है x1 y1, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो x-x1 लो, सही है। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे इसी तरीके से नॉर्मल, तो वही देखो ये बात बताई थी ना, जैसे ज्योमेट्री के हिसाब से, मान लो एलिप्स ना समझो तो इस तरीके से कि मतलब कोई पॉइंट है
इस तरीके से उस पर टेंजेंट भी है, नॉर्मल भी है। तो इस तरीके से मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों चीज़ों पर होता है, ये स्पेशल बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो इसलिए हम यही पॉइंट काम आ जाएगा, क्योंकि इस नॉर्मल भी तो एक लाइन है ना, तो इस लाइन पर भी है, इसलिए इसमें पुट करेंगे। तो वाई माइनस वाई वन, ठीक है ना। फिर स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, लेकिन स्लोप ये पता होना चाहिए दो चीज़ें परपेंडिकुलर हों, यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसी वजह से ये बात अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन, या फिर को नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो मतलब रेसिप्रोकल कर दो आप इस चीज़ का, मतलब वन से डिवाइड कर दो और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल का ये मतलब हो जाएगा। एक माइनस पहले था, एक फॉर्मूले की वजह से यहाँ से प्लस हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो, केवल कैलकुलेशन। तो 27 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे 27 वाई माइनस कितना हो जाएगा, ये 81, और यहाँ पर माइनस का 32, एक्स प्लस का 64। तो इस तरीके से कैलकुलेशन है मतलब, ठीक है ना। तो अब जैसे इसके बाद कितना, चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले के लिख लो आप, तो मतलब 32x प्लस का 27y सही है। अभी इस साइड माइनस का 81 है, उस साइड प्लस 81, तो 64 प्लस 81 तो 145 कैलकुलेशन। तो इस तरीके से एक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और एक बार यहाँ से निकाल दो अब आप कैलकुलेट करके, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 32y माइनस का कितना हो जाएगा 96, 27x माइनस का 54। तो इसको एज इट इज रख लो, मतलब इस रिजल्ट को राइट हैंड साइड भेज दो आप, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और इसके बाद जैसे इसको भेजा है, ठीक है ना, तो इसको इस साइड लिखो, या फिर सिंपली जैसे कितना हो जाएगा यहाँ पर, कि जैसे ये इस साइड प्लस 96 है, मतलब दोनों साइड दोनों चीज़ों को राइट हैंड साइड भेजता है, तो प्लस 96 माइनस 54 तो कितना बचेगा, तो 90 50, मतलब 40 और 42, मतलब प्लस का इस साइड प्लस का, हाँ उस साइड लिखना चाहते तो माइनस 42, मतलब कैलकुलेशन है यहाँ पर और कुछ भी नहीं। न्यूमेरिकल लेंथ क्यों है, क्योंकि दोनों चीज़ निकालनी पड़ी यहाँ पर, पॉइंट भी और स्लोप भी। तो इस तरीके से सही है। और बस जो स्पेशल बात है वो तो ये है कि जो ये पॉइंट है तीनों चीज़ों पर होता है, और बच्चों वाली कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, सही है। तो इस तरीके से, हाँ यहाँ पर जैसे y की वैल्यू 3 आई थी एक्चुअल में, तो ये दो केस आने थे, लेकिन न्यूमेरिकल में कंडीशन अप्लाई हुई थी, सही है। अगर मान लो वो कंडीशन ना होती कि y1 मतलब y को, या फिर जैसे y1 नाम था, तो इस तरीके से, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे मान लो -3 का भी केस इंक्लूड होता, तो उसके हिसाब से अलग दो आंसर निकलते, जैसे दो यहाँ से आई, दो वहाँ से आ जाते, किसी को भी मतलब आप रैन मतलब छोड़ नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक केस क्यों छोड़ा -3 का, इस वजह से जो जो कंडीशन हमने उसके हिसाब से चलना होता है न्यूमेरिकल्स में। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।